मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की विकास यात्रा में औद्योगिक समूहों को सहभागी बनाने के प्रदेश सरकार के संकल्प को साझा करते हुए उन्हें भरोसा दिलाया है कि निवेशकों से किए कमिटमेंट को धरातल पर उतारने में कोई संकोच नहीं करेंगे। लोकभवन में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में उद्यमियों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ कहा, आप 10 कदम चलिए, सरकार 100 कदम चलने को तैयार है। इस मौके पर सीएम योगी ने 32 औद्योगिक इकाइयों को 1,333 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि इंसेंटिव का चेक सौंपा। 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के लिए 10 औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट भी वितरित किए, साथ ही उत्तर प्रदेश पर भरोसा करने के लिए निवेशकों का आभार भी जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश भारत के विकास का बैरियर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत बनाने के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए देश के ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य कर रहा है। निवेशकों को सहूलियत देने के लिए शासन की नीति के तहत डबल इंजन की सरकार सारे बैरियर तोड़ेगी। अपराध, अपराधी और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। और सीएम योगी ने क्या कहा, सुनिए। आप सभी जितने भी यहाँ पर हमारे इन्वेस्टर आए हैं, मैं उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि सरकार ने आपके साथ जो भी सरकार के कमिटमेंट तो स्थिति पर उतारने के लिए किसी भी प्रकार का कोई संकोच किसी भी स्तर पर और सारी बैरियर हम लोग तोड़ेंगे। हमने पहले दिन से कहा उत्तर प्रदेश अब भारत के विकास का बैरियर नहीं रहेगा, बल्कि भारत के विकास का, प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास का उस मॉडल को जिन्होंने 2047 तक भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने का सपना देखा है, उस विकसित भारत के सपने को साकार करने के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा और इसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है, आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे याद है जब हम लोगों ने यहां पर $1 trillion की इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए तो हमारे सहयोगी मुझे इस बात के लिए कहे कि इसके लिए हमें हर वर्ष 15 से लेकर 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को प्रदेश के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग कराने की तैयारी करनी चाहिए और जब हम लोगों ने प्रदेश में अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम तय किया था उस समय जब मेरे सामने बात सामने आई थी तो नंदी जी और उनकी टीम मेरे पास आई थी, उन्होंने कहा साहब हम लोग 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव कराएंगे, तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा ये लोग अभी भी उत्तर प्रदेश को समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा चलिए आप प्रयास करिए और फिर मैंने अपनी टीम के सभी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों की टीम को दुनिया के अलग अलग देशों में भी भेजा था, देश के अंदर भी अलग अलग जगह रोड शो हुए थे और आपने देखा होगा कि 10 लाख या 15 लाख की बजाय 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए और लगातार इसमें प्राप्त हो रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश में हम लोग मानते थे कि हमारे इन्वेस्टर जो इन्वेस्टर समिट होगा उस इन्वेस्टर समिट में हमारे पास में जो निवेश के प्रस्ताव को लाएंगे वो 20,000 करोड़ का हम मानते थे, अकेले आज यहाँ पर जो हम इंसेंटिव वितरित कर रहे हैं 1,333 करोड़ रुपए का, इसमें 10,715 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव निवेश इसमें ग्राउंड ब्रेकिंग हुए हैं, वहां प्रोडक्शन इन यूनिट में प्रारंभ हुआ है और उसको आज इंसेंटिव यहां पे वितरित हो रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लगभग 4,000 करोड़ रुपए के निवेश के इंसेंटिव पहले से ही हम उद्यमी को पहुंचा चुके हैं, उनको उपलब्ध करवा चुके हैं। बहनों और भाइयों, यह सरकार का कमिटमेंट है और हम अपने इस कमिटमेंट पे पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस समय अनेक कदम उठाए हैं, खासतौर पर आज बीड़ा की चर्चा हमारे वित्त मंत्री ने आपके सामने की है। ये लगभग हम लोग 36,000 एकड़ लैंड में झांसी और कानपुर के बीच में इस नए औद्योगिक शहर को बसाने की कार्रवाई को आगे बढ़ चुके हैं
और तेजी के साथ हमारा कार्यक्रम बन रहा है। याद करना, नोएडा को बसने में 46 साल लगे और 46 साल के बाद वहां एक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जेवर अब आ रहा है। लेकिन यहां पर हम, जैसे ही हमारा यह औद्योगिक शहर बसेगा, इसके बसने के साथ ही हम यहां एयरपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। यहां पर हम इसके साथ ही 4 लेन की कनेक्टिविटी हम दे चुके हैं, बेहतरीन सुविधाएं देंगे और पहले से ही डिफेंस कॉरिडोर, मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक नोड वहां आ चुका है। लखनऊ और उसके आसपास के 6 जनपदों को जोड़ करके यहां पर हम लोग स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में इसे डेवलप कर रहे हैं। निवेश के अनंत संभावनाएं यहां पे बनेंगे और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में अगर आप सभी रुचि लेना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश आज इसके लिए तैयार हुआ है।